मुझे पिछले दिनों प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर के अनेक बार आने का मौका मिला। जब सरकार बदलती है, नियत बदलती है, तब कैसा परिणाम आता है वो प्रयागराज ने इस बार दिखा दिया है, कुंभ के मेले ने दिखा दिया है। पहले कुंभ का मेला होता था तो खबरें भरी पड़ी रहती थी कि जमीन को लेकर के अखाड़ों के बीच लड़ाई हो रही है, पहले कौन नास्नान करेगा उसके लिए लड़ाई हो रही है, उसको तंबू बनाने के लिए इतनी जगह दी, उसको इतनी दी, उसको आगे दी, उसको पीछे दी, अखाड़ों के बीच लड़ाइयां होती थी। इस बार सबने मिलजुल करके प्रयागराज कुंभ को सफल बनाया। पहले कुंभ का मेला होता था तो भ्रष्टाचार की बातें आती थी, कमीशन की बातें आती थी, मेले में इतना पैसा खा गए, वो खा गया, मंत्री खा गया, अफसर खा गया, कॉन्ट्रैक्टर खा गया। इस बार कुंभ का मेला हुआ, शान से माथा ऊंचा हो गया, एक आरोप नहीं लगा, एक आरोप नहीं लगा। पहले कुंभ का मेला होता था तो कुंभ के मेले में ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, उसका पैकेट चोर लिया, उसका बैग चोर लिया, उसका मोबाइल फोन चले गया, ऐसी शिकायत आती थी। इस बार चोरी मारधार की कोई शिकायत इस बार कुंभ के मेले में नहीं आई। भाइयों बहनों, इस बार कुंभ का मेला दुनिया भर के अखबारों में छपा है। पहले छपता था नागा साधुओं को लेकर के छपता था, इस बार कुंभ के मेले की चर्चा सफाई को लेकर के हुई, स्वच्छता को लेकर के हुई। पहले लोग सोचते थे भाई उत्तर प्रदेश, वहां तो व्यवस्था हो ही नहीं सकती है, लेकिन यही उत्तर प्रदेश ने दुनिया को बता दिया कि उत्तर प्रदेश आप जो सोचते हैं वैसा नहीं है। कुछ नेताओं ने, कुछ सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम कर दिया, उत्तर प्रदेश के लोग तो बहादुर है, व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, और ये आपने करके दिखाया। भाइयों बहनों, आज मैं जब इस चुनाव में आया हूं तो मैं जरूर एक बात कहना चाहता हूं। इस बार मैं प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए आया था, ये मेरा सौभाग्य रहा है। मुझे कई बार अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो, आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है, लेकिन एक बार पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं उस खबर को पांच पांच छह छह दशक से दबा दिया गया है, छिपाया गया है। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता सीमा पार की गई है। भाइयों बहनों, पंडित नेहरू आए थे तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था, उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक अकेले कांग्रेस वाले थे, और पार्टियों का तो नामो निशान नहीं था, कई पार्टियां तो पैदा भी नहीं हुई थी। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ये खबर सुन के आज आपको भी धक्का लगेगा, पंडित नेहरू जब आए थे अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी, कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी
ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया। उन परिवारों जिन्होंने अपना स्वजन खोया था उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया, एक रुपया उनको दिया नहीं दिया गया। भाइयों बहनों, एक ये सिर्फ बगदड़ नहीं थी, बगदड़ के बाद जो हुआ वो असंवेदनशीलता का एक जुल्म था। भाइयों बहनों, ऐसा पाप देश के पहले प्रधानमंत्री के काल में हुआ है। और इस बार का कुंभ का मेला देखिए, करोड़ों लोग आए, प्रधानमंत्री खुद भी आए, लेकिन कोई बगदड़ नहीं हुई, कोई मरा नहीं। भाइयों बहनों, व्यवस्थाएं सरकार कैसे बदलती है इसका यह उदाहरण है। भाइयों बहनों, जब इस बार मैं कुंभ का मेला पुण्यवती पर था तब स्नान करने के लिए आया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण यात्रियों को कोई असुविधा हो, इसलिए मैं आखिरी समय आया था। लेकिन मेरे मन में जिन लोगों ने सफाई की उनके प्रति बड़ा सम्मान था, मेरे मन में इतना बड़ा गौरव था कि सफाई करने वाले लोगों ने सचमुच में दुनिया का दिमाग साफ कर दिया, दिमाग साफ कर दिया, भारत की छवि बदल दी, भारत की छवि बदल दी, भारत का नाम रोशन उन सफाई करने वालों ने किया। और इसलिए मेरा मन कर गया था, और तब जाकर के मैंने इन सभी सफाई करने वालों में से कुछ लोगों को पैर धोने का मुझे सौभाग्य मिला था। मैंने इतनी यात्राएं की है, मैं हर मठ मंदिर में गया हूं, मैं बड़े बड़े महात्माओं से मिला हूं, मैं बड़े बड़े महात्माओं के बीच में रह करके आया हूं, मैंने जिंदगी के कुछ समय ऐसा गुजारा है, लेकिन मेरे भीतर जो एक आनंद था,